दोस्तों नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है कि नववांश कुंडली से नीच भंग राजयोग कैसे बनता है। इससे पहले हमने जो भी टॉपिक डिस्कस किए थे नीच भंग राजयोग के, उसमें हमने ये देखा था कि लग्न कुंडली एवं चंद्र कुंडली से नीच भंग राजयोग कैसे बनते हैं। आज हम नववांश कुंडली से डिस्कस करेंगे। आप लोगों की सुविधा के लिए हमने आपके लिए यहाँ पे पॉइंट भी मेंशन कर दिए हैं एंड मैं आपको एग्जांपल भी देने वाला हूँ पॉइंट बाय पॉइंट। हम पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे। नंबर वन इज नीच ग्रह का राशिश। नववांश में नीच का ना हो एवं वहीं बैठा हो। सो नीच ग्रह का राशिश कौन हुआ, कैसे देखते हैं नीच ग्रह का राशिश? ये लग्न कुंडली है एवं ये नववांश कुंडली है। यहाँ पे नीच ग्रह का राशिश, नीच मीन्स गुरु यहाँ पे नीच के बैठे हुए हैं बृहस्पति, एवं बृहस्पति कौन सी राशि में बैठे हैं, मकर राशि में बैठे हैं। अब मकर राशि का जो स्वामी होगा वो ये इसका गुरु का राशिश होगा। तो हम ये देखेंगे कि मकर राशि का स्वामी शनि लग्न कुंडली में कहाँ पर है। लग्न कुंडली में शनि सेवंथ हाउस में चले गए हैं। तो पहली कंडीशन जो थी हमारी नीच ग्रह का राशिश, ये हम आपको ये हमने आपको बता दी है। नाउ लाइक व्हाट नेक्स्ट, नववांश में नीच का ना हो। अभी हम चेक करेंगे कि ये शनि ये नववांश कुंडली में है, कहीं नीच का तो नहीं है। तो सेवंथ हाउस में वृश्चिक राशि में शनि यहाँ पे नीच का नहीं है, सो ये कंडीशन भी मीट करती है। द नेक्स्ट इज एवं वहीं बैठा हो। कहाँ बैठा हो, लग्न कुंडली में जहां पर शनि बैठा है, नववांश कुंडली में भी शनि वहीं बैठा हो। तो ये दोनों कंडीशन मीट कर रही हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि बृहस्पति यहाँ पर नीच का होने के बावजूद भी यहाँ पर शुभ फल देगा और ये नीच भंग राजयोग बनता है। नाउ द सेकंड कंडीशन इज नीच ग्रह का राशिश नववांश में नीच का ना हो एवं लग्न से केंद्र में हो। ये सेम कंडीशन है जो अभी हमने देखी थी। द सिमिलर सेम लाइक आपका जो गुरु है, गुरु का जो गुरु जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी शनि, वो उसका राशिश हुआ। एम शनि यहाँ पे केंद्र में बैठा हुआ है एंड सेम केंद्र सेवंथ हाउस में बैठा है और लग्न कुंडली नववांश कुंडली में भी सेवंथ हाउस में बैठा है। अभी इसमें क्या है नेक्स्ट पॉइंट, लग्न से केंद्र में हो। कौन सा लग्न, नववांश कुंडली का लग्न, नववांश कुंडली में नववांश कुंडली के लग्न से केंद्र में बैठा हो। तो ये जो शनि है नववांश कुंडली से केंद्र में बैठे हैं। तो दूसरी कंडीशन भी मीट कर गई है हमारी यहाँ पे। नाउ द थर्ड कंडीशन इज नीच ग्रह नववांश में नीच या तो ऊंच राशि पर बैठा हो। अभी डिस्कस करते हैं। सूर्य लग्न कुंडली है, ये सूर्य लग्न कुंडली में तुला राशि में नीच में है। अभी हम ये देखेंगे कि यही सूर्य नववांश में कहाँ पे है। आइए देखते हैं। नववांश कुंडली में सूर्य तुला राशि में नीच के चले गए हैं। बेसिकली जब ऐसी कंडीशन मीट करती है तो इसको हम वर्गोत्तम भी कहते हैं। किसी भी ग्रह के लिए ये रूल लागू होता है कि जो ग्रह लग्न कुंडली में जिस राशि में बैठा हो वही ग्रह अगर नववांश कुंडली में उसी राशि पे चला जाए तो वो वर्गोत्तम कहलाता है और वो बहुत ही अच्छा फल देता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे यह है कि सूर्य नीच के हैं और यही नीच के सूर्य नववांश कुंडली में भी तुला राशि में नीच के चले गए हैं। तो ये वर्गोत्तम होने के बावजूद ये यहाँ पे नीच भंग राजयोग बनता है, मीन्स ये यहाँ पे शुभ फल प्रदान करेंगे। सूर्य की नीचता भंग होती है। इसमें एक दूसरी कंडीशन भी है कि या ऊंच हो, नीच या तो ऊंच हो। अब हम ऊंच का भी चेक करेंगे। मान लेते हैं कि ये सूर्य यहाँ पे नहीं है, अभी यही सूर्य यहाँ पे नीच के हैं और यहाँ पे ऊंच के हैं। तो सेम कंडीशन मीन्स कि यहाँ पे नीच का होने के बावजूद भी नववांश कुंडली में सूर्य ऊंच के चले गए हैं तो ये शुभ फल देंगे। सूर्य की नीचता यहाँ पे भंग हो जाती है। अभी हमारी फोर्थ कंडीशन, ये थोड़ी सी आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी। नीच ग्रह की नववांश राशि का स्वामी ग्रह, पहले हम इतना कर लेते हैं। नीच ग्रह हम यहाँ पे सूर्य को ले लेंगे। लग्न कुंडली की बात हो रही है यहाँ पे कि लग्न कुंडली में नीच ग्रह की नववांश राशि का स्वामी ग्रह,
कॉमा भी लगा है, तो अभी हम इतना पार्ट कवर करते हैं। पहले नीच ग्रह की नवांश राशि। नवांश राशि कौन सी, मतलब यही नीच ग्रह की नवांश राशि। नीच ग्रह की जो नवांश राशि है वो कहाँ पे है, वो यहाँ पे है। नवांश कुंडली में तुला राशि जो है सिक्स हाउस में है। यहां तक कवर हो गया। एंड नाउ नवांश राशि का स्वामी ग्रह है, इसका जो स्वामी ग्रह है वो कौन हुआ, शुक्र वीनस, जो कि यहां पे बैठे हैं मिथुन वाले राशि पे। नाउ ये हमारा पार्ट यहां पे कवर होता है। अभी आगे क्या है, चंद्र एवं लग्न से केंद्र में हो। किसकी बात हो रही है, शुक्र की, कि शुक्र अभी चंद्र से या लग्न से केंद्र में हो। कौन सा चंद्र, कौन सा लग्न, ये नवांश कुंडली का ही लग्न और नवांश कुंडली का ही चंद्र, चंद्रमा। अभी हम लग्न कुंडली से पहले टेस्ट करते हैं। लग्न कुंडली से शुक्र केंद्र में नहीं है, सेकंड हाउस में चला गया है, तो ये कंडीशन मीट नहीं की हमारी। नाउ द नेक्स्ट इज चंद्रमा। चंद्रमा से शुक्र 1, 2, 3, 4 फोर्थ हाउस में चले गए हैं, तो ये कंडीशन मीट करती है। मीन्स इधर ऑफ द कंडीशन मीट करनी चाहिए, या दोनों भी मीट कर जाएं, तो दोनों से भी केंद्र में चला जाए तो भी ये नीच भंग राजयोग बनता है। तो यहाँ पे सूर्य नीच का होने के बावजूद भी ये शुभ फल देगा, बिकॉज ये नीच भंग राजयोग बना। नाउ द फिफ्थ कंडीशन, इसको नवांश कुंडली से मत अटैच कीजिएगा, ये जस्ट मैंने ऐसे ही मैंशन कर दिया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, कि नीच ग्रह का बकरी हो जाना। जब भी कोई ग्रह जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में नीच का हो जाता है, और वही ग्रह अगर बकरी हो जाए तो उसकी नीचता भंग हो जाती है, और वो नीच होने के बावजूद शुभ फल देता है। इसको हम नीच भंग राजयोग तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसकी नीचता भंग हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, एंड हम बहुत जल्दी एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक वंदे मातरम।